लोगों को लग रहा है कि मैं पिक्चर ले ली, पोज बना के खड़ी हुई है। कौजर तो अभी भी हिल ही नहीं रही। अरे यार हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से सुहाना जबलपुर कैसे पहुंच गई, तो मैं बताती हूँ। सुबह 4 बजे से उठी थी, श्रेया का नाश्ता टिफ़िन वगैरह सारा कुछ, पूजा पाठ यानी भगवान जी का जो पाठ है मैं छोड़ती नहीं हूँ, तो ये सारा कुछ करके और मैं निकल गई हूँ और स्टेशन आ गई हूँ। मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है जबलपुर। और आज का दिन क्या क्या मैंने किया और कितने दिन के लिए गई या आज ही आई, वो मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। लास्ट तक बने रहिएगा, आज पता चलेगा कि सुहाना अगर कोई चीज़ ठान लेती है तो वो करके रहती है। और मैंने दिमाग में पहले से पूरा सेट कर लिया था कि मुझे आज के दिन करना क्या क्या है और मैं करके रहूँगी। तो फ्रेंड्स, यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है आज की। और ये हम स्टेशन पहुँच चुके हैं और अब करेंगे यहाँ पर ट्रेन का वेट। तो यहाँ पर मैं टिकट वगैरह तो ले आई हूँ, जो कि मैं पहले ले रही थी, तो वहाँ पर कुछ और वॉइस ओवर कर दिया, मैं बता रही थी आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, बस इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। मैं सुबह बहुत कम जाती हूँ तो इतना खास टाइम का पता नहीं होता है, बट मैंने ऐप में देख लिया था तो वो अच्छे से नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं समय से पहले ही आना अच्छा समझती हूँ। जबलपुर रानी कमलापति जैन शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। मे आई हैव योर अटेंशन? 6-2 जबलपुर रानी कमलापति जैन शताब्दी एक्सप्रेस फ्रॉम जबलपुर इटारसी टू रानी कमलापति इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। कृपया अचानक से क्या है, आज वर्किंग डे है, आज से ही स्टार्ट हुआ है। बाकी दिन तो यानी छुट्टियां चल रही थी, दीपावली वगैरह छठ, ये इसका होने के कारण ना बहुत सारे काम रुके हुए थे। तो अब आज के दिन से यानी कि सारी चीज़ें, कॉलेज हो गया, कोर्ट हो गया, सारा कुछ आज यानी कि वर्किंग डे है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, और मुझे जाना भी ज़रूरी था क्योंकि कॉलेज में बहुत कॉल आ रहे थे, हम जाते ही नहीं हैं तो बुलाया जा रहा था। और आप लोगों को पता है कि अब फिर से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी, तो लगना है आप फिर से। और मैं यहाँ पर यानी कि ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, ट्रेन अभी जाना है, यानी 3 घंटे का सफ़र करना है हमको। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इससे पहले भीड़ इतनी रक्षाबंधन में भी नहीं मिली जब मैं पहले गई थी एग्ज़ाम टाइम, पर आज के दिन बहुत भीड़ थी। तो मैं आ चुकी हूँ जबलपुर। तो फ्रेंड्स, हम उतर गए हैं ट्रेन से और अब बाहर निकलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर। थक गए हैं, और अब जाना है कॉलेज। निकलते हैं बाहर, फिर कॉलेज की ओर निकलते हैं। सोचा था कि मैं सीधे यहीं से कॉलेज जाऊंगी, पर मैंने बोला क्यों ना मैं आधे घंटे का टाइम निकाल करके मम्मी के यहाँ जाती हूँ, और मैं अगर खाली पेट रही, मुझे दिन भर ट्रेवल करना है, खाली पेट रही तबीयत ख़राब होगी, तो मैं मम्मी के यहाँ कुछ खा पी लेती हूँ। बाहर का खाना मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि आज दिन भर मुझे बाहर ही रहना है। हाँ, अगर मम्मी के यहाँ रुकती वगैरह तब बाहर का चली जाता, पर अभी नहीं। लगा दी? हाँ, लग जा। तो फ्रेंड्स, हम आए हुए हैं घर में, तो खाना खा लिया है, 2 रोटी खाई है बड़ी जल्दी से, और मम्मी ने अच्छी सब्जी बनाई थी गोभी आलू की। मम्मी बर्तन धो रही हैं, मेरी आँखें कैसी चढ़ी चढ़ी सी लग रही है।
मम्मी आंखों का चढ़ना क्या कहलाता है? चढ़ी चढ़ी लग रही है। सोना है पूरी। 5 बजे तो उठे थे और 1 बजे सोए थे। तो मैं खा क्या रही हूँ ये भी तो बता दूँ, जो मुझे अच्छा लगता है और साल में एक ही बार मिलता है, इसका स्वाद ही अलग रहता है क्योंकि ये भगवान जी का प्रसाद है। तो बता देती हूँ, रुको आप लोग पहचानोगे ऐसे। ये देखो क्या है, बताइए। ये है छठी माता का प्रसाद। छठ होती है ना, तो उसका प्रसाद है जो कि मुझे मिला और मैं खा रही हूँ। मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बचपन में आता था। हम लोग नहीं करते हैं बट आउट साइड में करते हैं, तो वहाँ से प्रसाद आता था, अच्छा लगता था। ये जो तो मम्मी तो गई थी पूजा में। हाँ मम्मी पूजा में गई थी सुबह सुबह ना, हर साल जाते हैं। बहुत सारा सामान है, बहुत सारे प्रकार के फल है, चना है, पोहा है, मक्का है, और इस तरीके से क्या बोलते हैं इसको, ठेकुआ। हम पुआ कहते हैं बट हमने 2-3 वीडियो देखी तो ठेकुआ बोलते हैं इसको शायद। आप लोग कमेंट्स करके बताना सही है कि गलत। तो चलो, खाली पेट था, खा लिया है। और मम्मी के यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बैगन हुए हैं ब्लू वाले, बताते हैं। ज़्यादा नहीं खा रहे, दिक्कत हो जाएगी, नींद आ रही है और मुझे अभी कॉलेज जाना है। हे भगवान शक्ति देना आज दिन भर, क्योंकि कॉलेज भी जाना है, कोर्ट भी जाना है, फिर वहाँ से रिटर्न भी होना है। शाम तक बस ट्रेवल ट्रेवल ट्रेवल, कुछ भी करवे शाम 7 बजे तक मुझे घर पहुँचना है। 7:30 बज जाएगा, अभी बज रहा है 11, तो निकलते हैं कॉलेज के लिए। ठीक है, तुमको याद आई कि नहीं आई, इतने दिन है काय, क्यों इरा मुंडी दिखाओ, याद आई कि नहीं आई, काय याद आई, याद आई। बेचारा उदास हो गया, याद में दुबला हो गया। देखो मिर्च लगी हुई है, मुझे इनको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। कितनी सारी लगी है सच्ची, देखो देखो आप लोग कितनी सारी लगी हुई है। ये मम्मी बोली संतरे का पेड़ लगा हुआ है, ये देखो आलू, और ये देखो क्या लगा हुआ है छुपके, बैगन ब्लू वाला। ये खेत देखो 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 देखो, ये खेत, खेत में है ये। तो ये देख सकते हो मम्मी ने जो चीज़ें लगाई हुई थी, मैं भी कुछ बीज दे गई थी, तो पालक वगैरह हो गई है, यहाँ पर चने की भाजी लगी हुई है, और भी ये पालक हो चुकी हैं, धनिया भी साथ में लगी हुई है, देख सकते हो आप लोग। मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके उन्हें। मम्मी सच में अगर मैं यहाँ पे होती तो चने की भाजी आज तो बन ही जाती, मैं सारी तोड़ लेती और खाते बना करके, साथ में अच्छी वाली रोटी जो कि बाजरे या मक्के की होती है। तो मम्मी का सारा यहाँ पर काम हो गया था और मम्मी को जाना था सुंदरकांड में। यहाँ पर देखो भुट्टा भी लगा हुआ है, और ये देखो दादाजी का मंदिर, और साथ में पीपल का पेड़ है और जास्मिन का फूल यानी पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर। और ये 2 बच्चे हैं यहाँ पर, इनकी माँ तो इनको छोड़कर चली गई जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ था। ये पर्दे में देखो पैर यानी नाखून फंसा लेते हैं, इनके नाखून बड़े बड़े हैं, तो ये दोनों आपस में झगड़ते हैं और इस पर्दे में नाखून फंसा लेते हैं। राधे राधे बोल दो। राधे राधे। यहाँ देख के राधे राधे। मम्मी देखो छठ माता की पूजा में गई थी, दिख रहा है, देख लग रहा है देख करके। फंसा लिए ये पर्दे में, नाखून लग जाता है इनका। अंदर नहीं लड़े आओ, जाओ अंदर अंदर जाओ, तुम भी आ रहे हो, चलो तो
रोटी खाई थी और मैं निकल गई हूँ कॉलेज के लिए। आधे रास्ते में मुझे मेरी फ्रेंड मिल जाएगी, मैंने उसे कॉल कर दिया है कि तुम मिल जाना, फिर साथ में चलते हैं तो एक साथ फिर सफ़र तय करेंगे दोनों जन। तो हम लोग देखो कॉलेज आ गए हैं। तो इन मोहतरमा को तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये हमारे साथ हमेशा रहती हैं। तो इन्हीं के साथ हम मैंने बोला चलो तुम्हारा साथ सही, तुमको भी आज लेके चलेंगे। तो हम आ गए हैं दोनों जन, और भी फ्रेंड मिले। बाकी जो काम था, हम लोग रुके, थोड़ी देर रुके थे हम लोग यहाँ पर, बातचीत करी। आज भ्रमण कराते हैं हम अपने कॉलेज का। वर्किंग डे और यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे घर, क्योंकि दोपहर का टाइम था और मुझे निकलना भी है, ट्रेन का टाइम हो रहा है। तो मैंने बोला चलो, तो मम्मी ने खाना परोसा था, इतना सारा तो मैंने खाया नहीं। तो फ्रेंड्स हो गया आज का काम, हो गया आज का काम, और अब हम चलते हैं स्टेशन। आ गए आप लोग देख सकते हो, और अब चलते हैं ट्रेन। दोपहर का 3 बज रहा है और आज सुबह से निकले हुए हैं, आज ही आना आज ही जाना। अभी हमें लेना है टिकट। पहले हम यहाँ देख रहे, देखो कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। तो टिकट लेने चलते हैं और उसके बाद फिर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जिस ट्रेन से हम लोग जाते हैं उस ट्रेन का टाइमिंग 1 घंटे बढ़ गया है। ले लेते हैं, चलो टिकट ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। तो हमने टिकट ले ली है और अब चलते हैं अंदर की ओर, जबकि मैं अंदर से घूम के आ गई हूँ। पर देखने गई थी ट्रेन आई है कि नहीं, क्योंकि अभी ट्रेन तो टाइम काफ़ी लेट है, पर चलते हैं फिर से अंदर। इतनी भीड़ थी मेरे साइड में, जो एक लड़की बैठी हुई थी वो भी मेरे जैसे ही आज ट्रेवल की, सुबह निकली हुई थी कॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल वगैरह था उसका, और कुछ स्टूडेंट्स भी है जो डेली अप डाउन करते हैं। तो ये भी थी, इसके ऊपर ना एक बोरी गिर गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग चढ़ रहे थे, बेचारी के सर के ऊपर ही बोरी गिरा दी। तो बहुत भीड़ थी, मुझे भी चढ़ने में बहुत दिक्कत हुई थी, पर चढ़ गए थे, और हमको हमने सीट बना ली थी उसकी भी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 घंटे का सफ़र होता है, तो फिर क्या हम जनरल डब्बे में ही सफ़र करते हैं? इतना तो हम इतना नहीं पता था, और इतनी भीड़ भी नहीं होती है, पर आज अचानक से इतनी भीड़ है त्यौहार के कारण, क्योंकि सब लोग अब अपने अपने काम पर और अपने अपने घर वापस जा रहे होंगे, कोई घर आया होगा, कोई घर से जा रहा है, तो ऐसा इसलिए इतनी भीड़ थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कैमरा हिला दिया था, डिज़ाइन से शूट कर रही थी। और अब चलते हैं, देखो रात का समय हो गया है, अभी तक मैं अपने यानी कि मंजिल तक नहीं पहुँची हूँ, घर।
हालत आप लोग देख रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे बाल भी ख़राब हो गए थे हवा के कारण, क्योंकि जब सफ़र में ऐसे बाल मेरे ये नहीं खुली छोटी थी ना, इस कारण से बाल भी ख़राब हो गए थे और मेरे ना सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। आज पूरा सारा दिन हो गया। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे अब आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। घर पहुँच जाते हैं, कॉल आए थे, कुछ पार्सल आए हुए हैं जो कि मैंने ऑर्डर किए थे। तो घर जा कर के पॉसिबल नहीं है कि अब मैं कुछ शूट करूं, क्योंकि मेरी तबीयत अब थोड़ी सी ख़राब सी लग रही है मुझे। मैं घर जाके अब रेस्ट करूंगी। तो